और अभी सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, अमरनाथ यात्रा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, बालटाल से अमरनाथ यात्रा को शुरू कर दिया गया है। आज 8,000 श्रद्धालु करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। रास्तों को ठीक करने के बाद फिर से यात्रा शुरू की जाएगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, आज फिर से यात्रा शुरू हो गई है बाबा अमरनाथ की, बाबा बर्फानी की। बालटाल से इस यात्रा को शुरू किया गया है और आज लगभग 8,000 श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने वाले हैं। रास्तों को ठीक करने के बाद एक बार फिर से यात्रा को शुरू कर दिया गया है। आज लगभग 8,000 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले हैं। शुक्रवार को जिस तरह से बादल फटने के बाद 16 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, दर्दनाक मौत हुई थी, उसके बाद लगातार सेना जुटी हुई थी रेस्क्यू ऑपरेशन में। ऐसे में तमाम तैयारियां की जा रही थी एक बार फिर से यात्रा को शुरू करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा जुड़े हैं बालटाल से। गौरव, एक बार फिर से यात्रा की शुरुआत हो गई है और देखिए सबसे अहम चीज, तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि एक बार फिर से यात्रा जो है सुचारू रूप से शुरू की जाए। देखिए फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आज सुबह 3:30 बजे जो विंडो था उसको खोल दिया गया। और बालटाल की अगर बात करें तो बालटाल की जो मार्ग थे वो काफ़ी ज़्यादा टूट गए थे, क्योंकि जिस तरीके से सैलाब आया था उसके बाद से उन रास्तों को बनाने का, मरम्मत करने का जो काम है वो चल रहा था। कल देर रात तकरीबन 1:30 बजे के आसपास इस पूरे काम को जब कम्प्लीट कर लिया गया, उसके बाद साइन बोर्ड ने यह फैसला लिया कि आज जो है बालटाल वाले हिस्से से जो यात्रा है वो छोड़ी जाएगी। लिहाजा सुबह तकरीबन 3:30 बजे जो बालटाल में जो बेस कैंप है जहां पर लोग रुके हुए थे, सबसे पहले उस फ्लो को कम करने का जो काम है वो किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो फंसे भी हुए थे, क्योंकि जब यात्रा स्थगित की गई थी अगले 3 दिनों के लिए, इस वजह से बहुत सारे लोग थे और जिनसे हमारी बातचीत हुई वो निचले हिस्से में जो कैंप का हिस्सा है वहां पर लगातार इंतजार कर रहे थे कि कब यात्रा खुलेगी। हालांकि कल की अगर हम बात करें तो कल पंचतरणी की अगर मैं बात करूं तो पंचतरणी से तकरीबन 8,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किया। और उसके बाद से 3 बजे जब मौसम बिगड़ना शुरू हुआ, क्योंकि मौसम विभाग की जो एडवाइजरी है वो आज भी इसी प्रकार की रहने वाली है, तकरीबन 3-4 बजे के आसपास बारिश की जो संभावना है वो जताई जा रही है। इसलिए इन हिस्सों की अगर बात करें तो कल आज बालटाल की यात्रा जो है वो शुरू हुई है, जिसकी वजह से एक बड़ा जो प्रेशर है वो कम होगा, क्योंकि बालटाल के हिस्से की अगर मैं बात करूं तो बालटाल के हिस्से का जो एरिया पड़ता है, यानी कि 14 किलोमीटर का जो चलना होता है, रनिंग जो 14 किलोमीटर की होती है वो बहुत कम दूरी में तय करके तमाम लोग ऊपर जाएंगे और उसके बाद नीचे आएंगे। दूसरा, अगर हम बात करें पंचतरणी की, तो पंचतरणी की जो दूरी है वो 42 किलोमीटर वाली है, क्योंकि अगर हम पहलगाम वाले हिस्से की बात करें तो इस मार्ग का उपयोग जो है कल से किया जा रहा है। लिहाजा अब दोनों ही मार्ग जब खुल गए हैं, ऐसे में जो श्रद्धालु हैं उनके लिए सबसे अच्छी खबर यही है कि बाबा बर्फानी के जो दर्शन है वो फिर से शुरू हो चुके हैं। गौरव, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप वहां पर लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो लोग वहां पर पहुंचे हुए उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्या कहना है उनका, क्योंकि अभी हमने जिस तरह हादसा देखा, 16 श्रद्धालुओं की मौत भी हुई, तो क्या मन में किसी तरह का कोई डर है? क्योंकि यहां पर जब हम देख रहे हैं तो लोग कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा में जिस तरह से हादसा हुआ, आपको याद होगा केदारनाथ में जिस तरह से प्रलय आई थी, उसके बाद लोगों के मन में एक डर बैठ गया था, तो ऐसा कुछ आपको वहां पर लोगों से देखने को मिल रहा है, बातचीत जब आप कर रहे हैं? देखिए, डर बिल्कुल नहीं है। कल मैंने खुद अपनी रिपोर्ट में दिखाया था कि तमाम जो जत्थे जब रवाना हो रहे थे, बसों में जो श्रद्धालु थे उनके अंदर एक उत्साह और एक उमंग लगातार बना हुआ है और लगातार वो बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी हिस्से से आए श्रद्धालु हो। हालांकि इस पूरे मामले में अगर देखा जाए, आज बालटाल का जो रूट है उसको जरूर खोला गया, यात्रा जरूर प्रारंभ की गई है, लेकिन फ्लो को बहुत कम रखा जाएगा ताकि ऊपर वाला जो हिस्सा है जहाँ पर जो पवित्र गुफा है वहाँ ज़्यादा भीड़ ना हो, ये कोशिश की जा रही है। इसके अलावा बड़ी पर आपको यह भी बता दूं कि आज भी तकरीबन 1 बजे जो टॉप अधिकारी हैं, NDRF के हों या फिर SDRF के हों या JNK पुलिस के लोग हों या फिर CRPF के लोग हों, आज एक बार फिर से अपने वो ब्रीफिंग करने वाले हैं कि दरअसल जो पूरा ऑपरेशन है उस ऑपरेशन में अब तक क्या क्या चीज़ें हुई हैं। हालांकि जो गायब होने वाले लोगों की संख्या है, जो लापता हैं उनकी तलाश अभी भी जारी है, हालांकि ये संख्या और बढ़ सकती है कहा यह भी जा रहा है। लेकिन कल हमने देखा था भारतीय वायुसेना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी श्रीनगर में जब की गई थी, तो उनके तरफ से जानकारी दिया गया कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है फिलहाल उन्होंने लगभग कंप्लीट कर लिया, लेकिन फिर भी अभी भी जो गायब लोग हैं उनकी तलाश लगातार जारी है। और आज भी
अगर हम बात करें चौथे दिन भी ये पूरा जो वाकया है जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार किया जा रहा है। हालांकि इस बीच जो समय है उसका जरूर ध्यान रखा जाएगा। अगर मैं बालटाल की यात्रा की बात करूं तो आज सुबह 3 बजे से लेकर के और शाम के 3 बजे तक ये जो यात्रा है वो चलेगी, चलाया जा रहा है, और दूसरी तरफ यात्रा को भी शुरू कर दिया गया है। कैसे इन दोनों चीजों को मैनेज किया जा रहा है? देखिए, सर्च ऑपरेशन जो है वो निचले हिस्से की तरफ चलाया जा रहा है जहां से ये पूरा भूस्खलन हुआ था और पूरा जो सैलाब बन के नीचे बह करके सारा मलबा आ गया था, क्योंकि 9 फीट मलबा जो है उसको काटना और काटने के बाद उसमें सर्च करना, ये जो पूरी प्रक्रिया है लगातार चल रही है। हालांकि उन मार्गों की बात करें तो उन मार्गों को दुरुस्त कर लिया गया है। ऊपरी हिस्से से तमाम जो लोग हैं श्रद्धालु वो आज सुबह से ही यात्रा में शामिल हो रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और निचले हिस्से की तरफ से उनको तुरंत निकाला जा रहा है। तो सर्च ऑपरेशन जो है निचले हिस्से के लेकर के खास करके जो नाले हैं खास करके बड़े बड़े उनमें लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, और जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो लगातार उड़ान भर रहे हैं और रेस्क्यू का जो काम था वो लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन सर्च ऑपरेशन का काम लगातार जारी है। इस सर्च ऑपरेशन के बीच में जो यात्रा है वो लगातार चल रही है। हालांकि आज साइन बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो साइन बोर्ड का जो कहना है वो यही है कि कल बालटाल के हिस्से से जो यात्रा माफ कीजिएगा आज बालटाल के हिस्से से जो यात्रा शुरू की गई है इससे थोड़ा सा जो फ्लो है वो कम किया जाएगा, क्योंकि तकरीबन 3 से 4 दिनों का जो वक्त है जो बेस कैंप में लोग रुके हुए थे वो लगातार इंतजार कर रहे थे, तो आज जब वो श्रद्धालु दर्शन कर लेंगे तो जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। कल के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो कल पंचतरणी में तकरीबन 8,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। हालांकि मौसम खराब होने के कारण 3 बजे उस यात्रा को बंद कर दिया गया था, और आज भी इसी तरीके का मौसम रहने वाला है, क्योंकि जो मौसम विभाग की एडवाइजरी है मौसम के जो वैज्ञानिक है वो यही बता रहे हैं कि मौसम खराब होने का जो चांसेस है वो तकरीबन 2:30-3 बजे के आसपास बनता है, और इस वजह से ऊपरी हिस्से पर जब बारिश शुरू हो जाती है तो विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है, इसीलिए इस यात्रा को 3 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। हालांकि राहत वाली खबर यह है कि आज दोनों ही मार्गों से जो यात्रा है वो शुरू कर दी गई है। गौरव, यात्रा मार्ग को जिस तरह से ठीक करने का कार्य किया जा रहा है, आप बता भी रहे हैं कि जिस तरह मलबा आया हुआ है उससे यकीनन काफी सारी परेशानियां हो रही हैं लापता लोगों को ढूंढने के लिए भी, लेकिन क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि मलबा वहां पर जमा हुआ है, दूसरी तरफ यात्रा मार्ग को ठीक भी करना है, और तीसरी तरफ सबसे बड़ी चुनौती है वहां का बार बार बदलता मौसम, ये कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, मौसम का तो यहाँ पर जो मिजाज है इसी तरीके से रहता है। हमने भी कई अधिकारियों से बातचीत किया, उनका ये कहना है कि उनको एक रूटीन में ये आ चुका है कि किस तरीके से इस बदलते मौसम में लगातार जो काम है वो करना है। इसीलिए जब ये पूरा जन सैलाब आया और उसके बाद बादल फटने की घटना हुई तो रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन 20 मिनट में ही शुरू कर दिया गया, क्योंकि सभी चीज़ों को हाई अलर्ट पर रखा जाता है, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हों चाहे NDRF की टीमें हों। और इस बड़े हादसे के बाद से एक बड़ी सीख भी यहाँ के स्थानीय प्रशासन को मिली है, इस वजह से तमाम चीज़ों को एहतियातन बड़े सावधानी के साथ किया जा रहा है। हालांकि जो बेस कैंप में रहने वाले लोग हैं बालटाल के वो सुबह से जब निकल रहे हैं, और तमाम श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो अब जिनके जत्थे यहाँ से रवाना हो चुके हैं। और अगर मैं श्रीनगर की बात करूं तो श्रीनगर के अंदर जो कैंप बनाया गया है जहां पर अमरनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उस जत्थे को भी रोक करके रवाना किया जाता है, और इसमें भी समय का अंतर रखा जाता है। पहला जत्था जो है जब निकलता है तकरीबन भोर में 3 बजे, बाकायदे स्कॉट करते हुए जो कानवाई है वो आगे जाती है, और वो कानवाई के साथ ही सीधे बेस कैंप तक पहुंचते हैं, और दर्शन करने के बाद फिर उनको शाम 3 बजे से पहले ही निकाला जाता है। यानी कि तय समय से सभी कार्यों को किया जा रहा है ताकि जो प्रेशर है जो भीड़ है वो ना बढ़े और यात्रा को सुगम तरीके से सार्थक तरीके से किया जा सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए।